चारिणी माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता के नवरात्रों का आज दूसरा दिन है। जैसा कि सभी भक्त जानते हैं, नवरात्रों में माँ नव दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। हर एक नवरात्रि के दिन माता के एक रूप की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। अतः भक्तों, आज के दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाएगी। आइए भक्तों, सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी के पावन रूप की महिमा वर्णन और कथा। दूसरा रूप ये माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी है, और एक नाम तो इनका भक्तों तपश्चारिणी है। सौम्य रूप ये माता का लगता है तो बड़ा निराला, एक हाथ में लिया कमंडल दूजे में जपमाला। शिव के नाम का करती रहती माता हरदम जाप, दर्शन करने से इस रूप के मिटे ताप संता। मुकुट सुशोभित है मस्तक पर मुखड़े की शोभा न्यारी, ब्रह्मचारिणी रूप में माता लगती है बड़ी प्यारी। दर्शन मात्र से ही जिनके संकट कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता ब्रह्मचारिणी का अलौकिक स्वरूप बड़ा ही निराला है। जिनके दर्शन मात्र से ही अपार सुख की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित रहता है। इनके एक हाथ में कमंडल व दूजे में जप की माला है। माता ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या और त्याग की मूरत है। जो भी भक्त माता ब्रह्मचारिणी के रूप को ध्याते हैं, उन्हें त्याग और तपस्या की शक्ति मिलती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है, मुखमंडल की कांति इनकी लगती बड़ी ही भव्य। ब्रह्मचारिणी नाम हुआ तो शब्दों से संपूर्ण, ब्रह्म का अर्थ है यहाँ तपस्या और दूजा है आचरण। बड़ा घोर तप माता ब्रह्मचारिणी ने किया है, ब्रह्मचारिणी नाम मात का तप ही पड़ गया है। किस कारण करनी पड़ी माँ को ऐसी घोर तपस्या, वेदों में वर्णित मिलती है पावन बड़ी कथा। आओ भक्तों, इसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता ब्रह्मचारिणी का रूप बड़ा ही सौम्य है। भक्तों, ब्रह्मचारिणी नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है,
यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और चारणी का अर्थ आचरण करने वाली। माता ने बड़े ही कठिन तप का आचरण किया जिसके कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। पिछले जन्म में इनका भक्तों सती है नाम हुआ, राजा दक्ष प्रजापति की हुई है तब कन्या। भोलेनाथ से माता सती ने तब है ब्याह रचाया, राजा दक्ष को इनका फैसला पसंद नहीं पर आया। एक समय पर राजा दक्ष ने महायज्ञ किया, निमंत्रण सभी देवी देवों को उन्होंने दे ही दिया। भोलेनाथ और सती को भी यज्ञ में नहीं बुलवाया, बिना बुलाए पिता के यज्ञ में इन्होंने आना चाहा। भोलेनाथ पर माता सती को बड़ा समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, राजा दक्ष प्रजापति ने जब महायज्ञ का आयोजन किया तो सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया था, किंतु भोलेनाथ को उन्होंने यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती को जब पता चला तो उन्होंने भोलेनाथ से यज्ञ में चलने की जिद की, किंतु भोलेनाथ यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए और माता सती को भी यज्ञ में ना जाने की बात कहने लगे, किंतु माता सती नहीं मानी और भोलेनाथ की आज्ञा लेकर नंदी के साथ यज्ञ में चली आई। वहां राजा दक्ष ने माता सती से नजर तक नहीं मिलाई, वह बहनों ने भी इनको अनदेखा कर दिया, सिर्फ उनकी माता ने ही इन्हें गले से लगाया। राजा दक्ष ने महायज्ञ का कर तो लिया अनुष्ठान, यज्ञ में लेकिन नहीं रखा है भोलेनाथ का स्थान। हुआ अपमान जो भोलेनाथ का माता नहीं सह पाई, हवन कुंड में कूद इन्होंने अपनी जान गंवाई। भोलेनाथ को इतना जान कर क्रोध बड़ा आया, जलती हुई सती को लेकर टांडो खूब रचाया। विष्णु जी ने छोड़ दिया है फिर तो अपना सुदर्शन, जलती हुई सती के जिससे लगे बिखरने अंग, वही अंग तो शक्ति पीठ फिर बन ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भोलेनाथ ने जब जलती हुई सती को लेकर टांडो करने लगे तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास आकर कहा कि हे विष्णु जी, भोलेनाथ के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय करें, वरना धरती पर प्रलय आ जाएगी जिससे ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, अतः आप भोलेनाथ के क्रोध को शांत कराएं। तब विष्णु जी ने सुदर्शन छोड़कर माता शक्ति के अंगों को बिखरा दिया और भोलेनाथ बैरागी होकर कैलाश पर्वत पर चले आए। भोलेनाथ पर सती वियोग को सह नहीं पाए हैं, हो गए हैं बैरागी और कैलाश चले आए हैं। माता सती ने फिर है अपना अगला जन्म लिया,
राजा हिमालय की बन करके जन्मी है कन्या। राजा हिमालय पिता है इनके, मैनावती माता, उमा पार्वती शैल पुत्री जहाँ इनको कहा जाता। अल्पायु में ही हो गया इन्हें सब वेदों का ज्ञान, 8 वर्ष की आयु हुई तो माता गई है जान। अर्धांगनी हर जन्म में भोलेनाथ बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता सती ने जब अगला जन्म राजा हिमालय की पुत्री के रूप में लिया तो इन्होंने अल्पायु में ही सारे वेद पुराणों का ज्ञान अर्जित कर लिया। माता को अपने पिछले जन्म का आभास होने लगा। तब माता सती ने मुनि नारद के कहने पर कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया, ताकि अपने इस जन्म में भी भोलेनाथ को पति के रूप में पा सके। अपने हर एक जन्म में माता भोले को पाना चाहे, कठिन तपस्या करनी होगी नारद मुनि बतलाए। करने तपस्या माता फिर तो एक वन में चली आई, अपने पिता को तप करने की बात भी नहीं बताई। करने लगी एकांतवास में बैठ के कठिन तपस्या, अन्न का सेवन करना भी माता ने छोड़ दिया। तप का आचरण करती और कंद मूल फल खाए, करे तपस्या गर्मी सर्दी चाहे बारिश आए। ऐसा घोर तप ऋषि मुनि भी कर नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार माता ने हजारों वर्षों तक कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन बिताया। वह शिव का सुमिरन करती रही। फिर माता ने कंदमूल फल खाने भी छोड़ दिए और वृक्ष के पत्ते और बेल खाने लगी। इस तरह माँ पत्ते और बेल खाकर 3000 वर्ष तक तपस्या की। इसके पश्चात माता ने पत्ते और बेल खाने भी छोड़ दिए। अब माता सिर्फ वृक्ष के टूटे हुए सूखे पत्ते ही खाती हैं। सूखे पत्ते खाने के कारण पड़ गया नाम अपर्णा, माता की दिनचर्या बन गई शिव का नाम सुमिरना। ऐसी कठिन तपस्या माता करने लगी निरंतर, ना जाने कब दर्शन देंगे मुझको भोले शंकर। सूखे पत्ते भी खाने माने फिर छोड़ दिए, वायु को पी कर ही माता अब जीवन अपना बिताए। माँ की तपस्या देख देवता गण भी हर्षाए, भोलेनाथ फिर दर्शन देने स्वयं चले आए। विवाह करने के लिए माता से मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार माता ने हजारों वर्षों तक बड़ी ही घोर तपस्या की।
कठिन तपस्या के कारण इनकी काया बड़ी ही जर्जर हो गई, किंतु माता ने तप करना नहीं छोड़ा। अंत में भोलेनाथ को इन्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। इसके पश्चात मुनि नारद स्वयं माता के पास आए और कहने लगे, पूरी हो गई अब तो आपकी कठिन तपस्या है, निश्चित है ये भोलेनाथ से करना अब तो विवाह है। भोलेनाथ को जा करके हम सभी मनाएंगे, आपके पिता हिमालय आपको लेने आएंगे। हो गई पूर्ण तपस्या माता, अब घर को जाओ, जैसा आपके मन में है शिव को ही अपनाओ। राजा हिमालय फिर उन्हें लेने स्वयं चले आए हैं, विवाह संदेशा भोलेनाथ को फिर भिजवाए हैं। माँ गौरा से भोलेनाथ तो विवाह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस तरह माता ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को विवाह के लिए मना लिया। अंत में भोलेनाथ को माता की कठिन तपस्या के आगे झुकना पड़ा। इसी कठिन तपस्या के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। भक्त जनों, माता ब्रह्मचारिणी को तपश्चारिणी भी कहते हैं, अर्थात तप का आचरण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी का यह रूप भक्तों को कठिन तपस्या करने की शक्ति देती है। ब्रह्मचारिणी कथा आपने भक्तों सुन ली है, अब मैं सुनाऊं जो माता की पूजा विधि है। स्नान ध्यान से निवृत्त सबसे पहले तो हो जाए, श्वेत वस्त्र कर धारण और फिर माँ का ध्यान लगाए। गंगा जल से चाहिए पहले माँ को स्नान कराना, करे श्रृंगार माता का चंदन तिलक है लगाना, और पंचामृत से माता को भोग लगाना चाहिए। मिसरी माँ को अति प्रिय है मिसरी भोग लगाइए, दूध से बने मिष्ठान भी माँ को बड़े ही भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, नवरात्रों के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप का ध्यान लगाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को मिश्री या सफेद मिठाई अति प्रिय है, अतः पूजा पाठ के बाद इन्हें सफेद मिठाइयां मिश्री का भोग लगाना चाहिए और 108 बार माता ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करना चाहिए। माता के सामने घी का दीपक जलाकर आरती और चालीसा भी पढ़नी चाहिए। ब्रह्मचारिणी रूप का जो भी भक्त करेंगे ध्यान, नवरात्रों के दूसरे दिन जो करते हैं गुणगान, जप और तप की माता उनमें शक्ति देती है, त्याग तपस्या का वरदान भी माँ उन्हें देती है। हंस राज रल हन माता तेरे चरणों में शीश झुकाए, श्रद्धा भाव से व्रत करे जब जब नवरात्रे आए।
फौज सुरेश का जीवन भी है तेरे हवाले माता, डीएस पाल भी सदा ही मैया गुण तेरे ही गाता। एक बार के जाप से काम सफल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नवरात्रों के दूसरे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं।